आज मैं आपके साथ ऐसी दो फिनिश के बारे में बात करने वाला हूं, अगर उसको आप परफेक्ट कर लेते हो दोस्तों तो ब्लॉक खाना आपका बंद हो जाएगा मैच के अंदर। वेलकम गाइस, मैं सौरभ बड़ाया। आज अपन बात करने वाले हैं यार फिनिशिंग के ऊपर। मेरे पास काफी सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे कि सर आप वीडियो लेअप शॉट पे बताओ कि हम कैसे बॉल को फिनिश करें और ब्लॉक होने से बचे मैच के अंदर। तो दोस्तों ये वीडियो उन सभी प्लेयर्स के लिए काम की होने वाली है जिनको डर लगता है अंदर लेफ्ट शॉट फिनिश करने से, या फिर वो ब्लॉक खा जाते हैं अंदर जब भी जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी काम की वीडियो है दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ ऐसी दो फिनिश के बारे में बात करने वाला हूं, अगर उसको आप परफेक्ट कर लेते हो दोस्तों तो ब्लॉक खाना आपका बंद हो जाएगा मैच के अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइस, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं स्कूप शॉट की। स्कूप शॉट काफी काम का रहता है दोस्तों मैच के अंदर। जनरली क्या होता है कि जब भी हम लेफ्ट शॉट पे जा रहे होते हैं, कई बार डिफेंसिव प्लेयर सडनली आ जाता है या फिर वहां पे खड़ा रहता है। तो अगर आप ऐसे सिंपल फिनिश करेंगे बॉल को तो दोस्तों तैयार हो जाओ, ब्लॉक पार्टी होने ही वाली है। लेकिन अगर मैं यहां से इस बॉल को स्कूप करता तो मैं ब्लॉक होने से बच जाऊंगा। सो गाइज, अगर आप स्कूप शॉट पे जा रहे हो तो बेसिकली बॉल आपको हाई रिलीज करनी होती है, तब बास्केट कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानते हैं कि स्कूप शॉट करना कैसे होता है आपको। आपने जनरली बॉल को फिनिश कुछ इस तरीके से किया होगा मैच में, या फिर अंडर हैंड कर दिया होगा। लेकिन स्कूप शॉट के अंदर दोस्तों ये जो अपर कॉर्नर है इसकी लाइन में आपको ऊपर बॉल थ्रो करनी है ताकि आप ब्लॉक होने से बच जाओगे। तो दोस्तों अपर कॉर्नर की लाइन में आपको बॉल को बिल्कुल अप थ्रो करना होता है। तो अगर मैं यहाँ से बॉल को फिनिश कर रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ नीचे फिनिश नहीं करूँगा। मैं इस बॉल को जैसे अपन फ्लोटर रिलीज करते हैं, सेम आपको बॉल को कुछ इस तरीके से थ्रो कर देना है। फिंगर से बॉल आपको पुश कर देनी है, इसमें फ्लिक नहीं करना है ज़्यादा, आपको सिर्फ पुश कर देनी है। तो जैसे मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने टारगेट देखा और बॉल को हाई फिनिश कर दिया। जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों ये ईजी हो जाएगा, काफ़ी काम आता है मैच के अंदर, डिफेंसिव प्लेयर के सामने बहुत ईजी हो जाता है बास्केट करना। नाउ सेकंड फिनिश जो है दोस्तों वो है फ्लोटर। जब भी आप ड्राइव पे जा रहे होते हैं तो हमारे पास काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम अंडर एंड नहीं मार पाते, डिफेंसिव प्लेयर क्लोज रहता है काफ़ी, तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं है। उस केस के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, फ्लोटर रिलीज करनी है। फ्लोटर का मतलब ये बॉल को हाई आर्क लेना है, अपर हैंड में आना चाहिए ये, इस तरीके से आपको बॉल को रिलीज कर देना है अपसाइड मूवमेंट में। फ्लोटर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि मैं शूटिंग एक्शन तो बनाऊंगा लेकिन रिस्ट को फ्लिक नहीं करूंगा, वरना बॉल अनबैलेंस हो जाती है दोस्तों। यहाँ पे रेंज कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं प्लेयर्स, इसलिए फ्लोटर के अंदर आपको सिर्फ पुश करनी होती है बॉल को। जनरली जब हम शूटिंग रिलीज करते हो तो फिंगर्स डाउन जाती है, लेकिन फ्लोटर के अंदर फिंगर्स पॉइंट करती है टूवर्ड्स द रिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर सामने कोई डिफेंसिव प्लेयर खड़ा है तो आपको सिर्फ बॉल को रिलीज करना है और फ्लोटर कन्वर्ट हो जाएगा आपका। तो अगर सपोज यहाँ पे कोई लंबा प्लेयर खड़ा है तो मैं जाऊँगा यहाँ से, आप इसमें वन स्टेप भी ले सकते हैं, टू स्टेप भी ले सकते हैं, जंप स्टॉप भी कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो स्टेपिंग आप रख सकते हैं। सो जब भी फ्लोटर रिलीज कर रहे हैं आपको एक शूटिंग एक्शन तो बनाना है लेकिन बॉल को हाई रिलीज करनी होती है दोस्तों, ताकि डिफेंसिव प्लेयर ब्लॉक नहीं कर पाए उसको। लेकिन जब भी आप फ्लोटर रिलीज कर रहे हैं दोस्तों, शूटिंग एक्शन आपका सेम जाएगा, बॉल यहाँ पे आपको स्ट्रेट जाना है, लेकिन पाम इस केस में सामने की तरफ फेस कर रहा है, फिंगर्स सामने की तरफ फेस कर रही है, फिंगर्स का जो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ है, यहाँ पर नीचे की तरफ नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, तभी आप एक्यूरेसी से फ्लोटर रिलीज कर पाओगे। सो अगर नीचे एक बिग हाइट खड़ी है और मैं यहाँ से ड्राइव पे जा रहा हूँ तो मैं यहाँ से अप साइड में फ्लोटर रिलीज करता तो ब्लॉक होने का कोई चांस ही नहीं बनता दोस्तों। तो ये दो रिलीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मैच में काफ़ी इजी हो जाएगा बास्केट करना। अगर आप इसमें डिटेल में बात करना चाह रहे हैं कि सर आप इस पे दोनों पे अलग अलग वीडियो बनाइए ताकि हमको और अच्छे से समझ में आए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही है, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो। थैंक यू।